मेरे ख्याल से मुंबई में पहली बार इस प्रकार का आयोजन शिव जयंती का किया गया है, और इसको हमने शिव जयंती के विचार, मुझे शिव माननीय शिवाजी महाराज इनके भी विचार इस कार्यक्रम के द्वारा हमने सबके सामने रखे हुए। इसमें आपने देखा रहेगा तो हमने शिवाजी महाराज के अवसर पर जहाँ पे जो शस्त्र, अलग अलग तरह के शस्त्र कैसे इस्तेमाल करते थे और क्या करते थे, उसका शस्त्र का एक एग्जीबिशन है, और साथ में अलग अलग बुक्स शिवाजी महाराज के ऊपर और बाकी शिवराज्याभिषेक, ऐसे अलग अलग बुक्स इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ऐसे सभी नोटबुक के माध्यम से हमने यहाँ पे एक लोगों को एक खुला दालन रखा हुआ है। और साथ में ही आपने देखा रहेगा कि विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये जो समुद्र में बसे हुए किले थे, उनका भी एक 3D का एक स्केच हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और साथ में ही बच्चों के लिए भी अलग अलग तरह के गेम्स शिवाजी महाराज के माध्यम से, उन्होंने कैसा ये किला लिया, वो किला लिया, उनकी घटना, हर एक घटने का एक गेम्स हमने वहाँ पे बनाया, वो बच्चों को भी हम सिखा रहे। और साथ में 300 स्टूडेंट का हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से निबंध स्पर्धा ली थी, उसमें भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। तो एक अलग तरह का शिव जयंती का माहौल और किस तरह से शिवाजी महाराज ने काम किया, हम शिव जयंती तो हमेशा करते ही है, लेकिन शिवाजी महाराज के जो विचार है, शिवाजी महाराज ने जो जो उनकी कार्यशैली थी, और शिवाजी महाराज के इतिहास के अवसर पर उनके घटनाक्रम, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो ताकि शिवाजी महाराज जानने के लिए ये सभी चीज़ों का अच्छी तरह से यूज़ होएगा, आने वाले पीढ़ी के लिए भी अच्छा है, और अभी की जो पीढ़ी उनको भी कुछ मालूम नहीं है इतिहास, तो इतिहास का एक पन्ना हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और ज़रूर इसको अच्छा प्रतिसाद सभी कुर्ला चेंबूर के रहवासियों ने दिया हुआ है, और आगे जाके हम अच्छी तरह से का और यह प्रोग्राम लेना चाहते हैं, ताकि लोगों को और अच्छी तरह से शिवाजी महाराज समझे। जरूर उसके लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा मैं प्रयत्न करूँगा, और अगर जगह उपलब्ध होती है तो ज़रूर इस प्रकार का आयोजन मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।